लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या बात है? उन्ना क्या हुआ? कमाल है, अरे आओ बाबू, बहुत देर लगा दी तुमने, इतनी देर तक अरे क्या अरे ये क्या किया तुमने? किया तुमने हमको, अब बचकर कहा जाएगा? लड़ी लोग पानी ले आओ, इसका मुंह साफ करने का है, जल्दी पानी ले आओ। किशोर पानी लाओ भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ। नवीन तुम पीछे के रास्ते से जल्दी, तुम समझती नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहती हूँ तुम जाओगे, जाओ। अभी अगर मैं चला गया वो लोग भैया को मार डालेंगे। भैया को कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे भैया सरकारी स्कूल के हेडमास्टर है, जाओ। अभी तुम समझते क्यों नहीं हो, इस अंग्रेजी कुत्ते को मैं यहाँ मार के काट के जाऊंगा। नवीन अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे, जाओ। सो नवीन यू ब्लडी इंडियन बास्टर्ड, तुमने हमारे आदमी को हथियार खाना में मारा, हम तुमको सूली पर लटकाएगा, क्या समझा? सूली पर। बहुत दिन से तुम्हारा शक्ल देख, यू ब्लडी हेड मास्टर, तुम लोग हमको फूल बनाता है, फूल बनाता है। मेरे साथ थाना चलो, चलो मेरे साथ। साहब यू शट अप, यू ब्लडी क्लेवर लेडी, चल चल। तुम्हारा इतना अच्छा बदन है, गाय को मारने पर मजबूर करता है, गाय को मारने पर मजबूर करता है। हम तीन तीन दिन तक तुमको मारता रहा, तुमको मारता रहा, गाय को नहीं बोलता है, गाय को नहीं बोलता है, मार मार के हम थक गए हैं। हम तुमको मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम बोलता नहीं है, गाय को नहीं बोलता है, गाय को नहीं बोलता है। बोल नवीन कहाँ है, बोल, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी को और तुम्हारी सिस्टर को रेप कर दूंगा। बोलो।
नवीन काले पर्वत के पीछे जंगल में है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बेटा हाँ चुप हो जाओ, उसे तंग मत करो। बहुत हो चुका बाबूजी, एक दिन नवीन हम सबको ले डूबेगा। अब हमें उससे कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। वो तो ठीक है बेटे, लेकिन तुमने उन लोगों को नवीन का पता तो नहीं बताया। तो बाबूजी, नवीन का नाम मेरे सामने मत लीजिए। हेलो हेलो, बहादुर सिंह कॉलिंग 421, बहादुर सिंह कॉलिंग 421। नवीन के भाई स्कूल मास्टर परवीन ने क्रांतिकारियों के अड्डे का पता विल्सन को बता दिया है। और इस जगह को फौरन खाली कर दो, यहां अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ना। चलो सुनो, वो ट्रांसमीटर दो, ट्रांसमीटर। अरे क्या हुआ बताओ तो सही, क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने अपने अड्डे का पता बता दिया है। आज की सभा का यह फैसला है कि 24 घंटे के अंदर अंदर तुम अपने देशद्रोही भाई प्रवीण को खत्म करके हमें खबर दे दो। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता। ये तुम कैसे कह सकते हो? ये खून का रिश्ता है। अंग्रेज को अपने अड्डे का पता बताने का मतलब है मेरी मौत, और मेरा भाई मेरी मौत तभी नहीं चाहेगा। मैं नहीं चाहता कि इस गलतफहमी के बिना पर मैं अपने भाई का खून कर दूं, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। प्यार का शब्द तुम्हारी जुबान पर? क्या मैं इनसे कुछ पूछ सकती हूं? नवीन, कभी तुमने मुझसे प्यार किया था? हाँ। और एन उस वक्त जब हमने एक दूसरे का हो जाने को सोचा था, तुमने कानून बनाया था, याद है? हाँ। क्या था वो? प्यार, भावना, ममता, जो कुछ भी क्रांति के रास्ते में रुकावट बने उसे तोड़ दो। और मैंने अपने प्यार का गला घोंट दिया। मैं पूछती हूं नवीन, मेरा प्यार प्यार नहीं था? और तुम्हारा प्यार प्यार है? प्यार की गहराई बड़ी और छोटी नहीं होती। यह फैसला तुम्हें मान, यह फैसला नहीं बदला है, यह अपने प्यार का हिसाब करना चाहती है। इसका क्या सबूत है कि मेरे भाई ने पता बताया था? क्या सबूत है? खबर देने वाला क्रांतिकारी है वो, यह है। और क्रांतिकारी झूठ नहीं बोलता। मैं अपने भाई से मिलकर पूछना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे वक्त चाहिए। वक्त नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। तुम्हारे 5 घंटे तक ये कह दो, वरना 1, 2, 3, 4। मैं यकीन दिलाता हूं, अगर मेरा भाई कसूरवार हुआ तो इस पिस्तौल की गोली उसके सीने के पार होगी, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो आप लोगों को इस अड्डे के बाहर मेरी लाश मिलेगी। एक या तुम नवीन की चिट्ठी
अभी एक मुश्किल आन पड़ी है। भैया से कहना आज रात किसी भी हालत में मुझे पुराने किले के पीछे मिले। ये खत किसी के हाथ में ना पड़ने पाए। ये ठीक इसकी है। नवीन भैया की, उसने आपको आज रात को पुराने किले में मिलने के लिए कहा है। मुझे उससे नहीं मिलना, चिट्ठी इधर लाओ। लेकिन नवीन भैया ने लिखा है कि नवीन भैया की ऐसी की तैसी। उसने तू कहाँ है? दो कौड़ी की औरत क्रांतिकारियों की सरदार बनती है। रवीन, ये क्या कर रहा है? छोड़ जाओ। ये मेरी बीवी नहीं, दुश्मन है। तू जान से मार डालेगा? जान लेके रहेगी। छोड़ दे प्रवीण। अरे सुनिए, क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ प्रवीण? मेरे बच्चे! हाथ मत लगा मेरे बेटे को। प्रवीण ने ठीक कहा था, प्रवीण ने ठीक कहा था। तूने उसकी जान ली, तूने उसकी, तू सब जानती थी, सब जानती थी। अब नाटक करती है? अरे दुश्मनी हुई तो क्या हुआ? है तो मेरे देवर का बेटा। इस जान की शक्ल देखना पाप है। इस जान को तो आज पहली कोठरी में डालकर मरना चाहिए। अरे देवरानी जी, अगर ये मेरी बहू होती तो इसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देती, कीड़ों को खिलाती। बोलो, इसे मार डालना चाहिए। मार डालो इसे, मार डालो। मुझे अपने पते से कोई नहीं अलग कर सकता। मैं इनके साथ जाऊंगी। मैं सती बनूंगी। ये लो बेटे तुम्हारी फीस। बाबूजी, आपकी बहू शांता हमारे गांव की है, फिर मैं आपसे फीस कैसे ले सकता हूँ? रखिए। वाह बेटे, अगर गांव के मुकदमे तुम मुफ्त में लड़ते रहे तो तुम्हारी वकालत चल चुकी। मैंने तो सुना है कि वकील अपने बाप से भी फीस मार लेते हैं। आपका तार। तार? क्या बात है? मालूम नहीं, मुझे फौरन गांव बुलाया। ओह, आपको तो फौरन गांव जाना चाहिए। इसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए,
हवेली वालों को नोटिस मैं भेज दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा। अभी अपना फैसला बदल लो, भगवान के लिए अपना फैसला बदल दो, कुछ तो बोलो। भाभी सोचो तो जरा, लोगों ने कह दिया और तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया, ये भी कभी सोचा है कि हमारा क्या होगा, मुन्ना का क्या होगा, मुन्नी का क्या होगा? क्या मुन्नी तुम्हारे बगैर जी सकती है?